पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नरशिप लेने में कामयाब हो चुकी है। सदर मुमलिकत ने मेहदी शाह की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। अहम ये डेवलपमेंट हुई है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नरशिप लेने में कामयाब हो चुकी है। उस्मान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, आगाह कीजिए इससे मुतालिक। हाँ जी, बिल्कुल 3 माह लगे हैं ये फैसला करने में, और क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से फैसला होना था तो वजीर आजम की जानिब से अब बालाख्त तौर पर इस बात की मंजूरी दी गई कि ये अहदा जो है पीपल्स पार्टी को जाएगा, और जो समरी भेजी गई थी उसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सैयद मेहदी शाह की बतौर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के सेक्शन 33 के तहत जो है पर दी गई है, और सदर मुमलिकत ने राजा जलाल हुसैन का इस्तीफा जो 24 जून 2022 को मंजूर किया था, और नून लीग के शफीकुद्दीन का नाम भी गवर्नर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानब से जीपी की गवर्नरशिप की ख्वाहिश का इजहार किया था। और मेहदी शाह चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के पहले वजीर अला भी रह चुके हैं, तो अब ये क्योंकि पीपल्स पार्टी हो गई है इसलिए मेहदी शाह को जो है वो गिलगित बल्तिस्तान बनाने की मंजूरी दी गई। तफसील के लिए आपका शुक्रिया उस्मान खान।